हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रो की बात करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से कंसेप्ट आने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे डिग्री के, कोफिशियंट के और उसके टाइप्स के, पॉलिनोमियल के टाइप्स के। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिग्री की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर उसका जो टर्म होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है वेरिएबल की, वही क्या होती है? डिग्री होती है। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यही हमारे पास डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो यहां पे एक्स वाई माइनस 3, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे 5y क्यूब माइनस y, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और हमें इनकी क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो किसी एक टर्म के अंदर। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 0। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? कोई भी मान लो, उसकी पावर क्या है? 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है? इसमें आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 2 डिग्री हो जाएगा ये पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, इसकी पावर 1 है और इसकी भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल y है, इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आसानी से बता सकते हैं। नोट करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशियंट्स इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हमसे किसी भी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशियंट पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे कोफिशियंट्स का क्या मतलब होता है, जो भी टर्म का आपको कोफिशियंट पूछे उसके मल्टीप्लाई के अंदर क्या दे रखा है वही हमारा क्या होता है? कोफिशियंट। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, वही हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशियंट। देखो एग्जांपल के लिए मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 3y² - y - 8, ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया है। अब हमसे पूछे कि बताओ कोफिशियंट ऑफ y² का कोफिशियंट हमें बताना है। तो हमें इस पूरे पॉलिनोमियल में y स्क्वायर को ढूंढना है, तो ये हमारे पास y स्क्वायर, इसका कोफिशियंट क्या होगा? तो इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? तो इसके मल्टीप्लाई में 3 दे रखा है पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास 3 इसका कोफिशियंट। या आपसे इस तरह भी पूछ सकता था वो कोफिशियंट ऑफ y का कोफिशियंट बताओ। तो पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हमें y ढूंढना है, तो y हमारे पास ये रहा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? कुछ नहीं दिख रहा है हमें। जब कुछ नहीं दिखे तो उसका क्या होता है? 1 होता है, और साइन क्या है इसका? माइनस। तो माइनस 1 इसका क्या हो गया? कोफिशियंट हो गया। इस तरीके से हमें किसी भी टर्म का कोफिशियंट पूछ सकता है, या आपसे कोई ऐसा टर्म पूछे जो यहाँ पर दिखे ही नहीं, जैसे कोफिशियंट ऑफ t9 वेरिएबल का कोफिशियंट बताओ। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल
आपको नहीं दिख रहा है और उसका कोफिशियंट अगर हमसे पूछता है तो उसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका कारण देखो, सपोज करो ये T9 का कोफिशियंट पूछा है हमसे और हमने बोल दिया ज़ीरो। अगर मैं मल्टीप्लाई में ज़ीरो लगा के कोई भी वेरिएबल लगा दूँ तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा, और ओवरऑल ज़ीरो को हम यहाँ पर लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। तो इस तरह से हमें किसी का भी कोफिशियंट पूछ सकता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपका कोफिशियंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के अगर हम टाइप की बात करते हैं तो ये हमें दो तरीके से मिलते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम इसके दो तरीके से टाइप्स देखेंगे और दोनों तरीके के टाइप्स आपको एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पूछा है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। यहाँ पे हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे और इस साइड में हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री हमने देख लिया, टर्म की बात अभी कर लेंगे हम। तो देखो, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, फोर्थ, इस तरह से क्वाड्रोनोमियल और आपका चलता जाएगा, तो लास्ट में मैं सभी के लिए बोल दूंगा पॉलिनोमियल। जो भी मोर देन आएगा ट्राइनोमियल से उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मोनोमियल को समझते हैं। मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x² + 5y - 3, तो इसके अंदर प्लस और माइनस पे फोकस करना है। प्लस और माइनस से ही हमारा टर्म क्या होता है, सेपरेट होता है। तो देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब प्लस की वजह से यहाँ पे दो टर्म हो जाएंगे 1 और 2। यहाँ पे माइनस आ रहा है, दो टर्म हो जाएंगे 1 और 2। तो ओवरऑल इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो 3 टर्म का ये क्या एक पॉलिनोमियल है। तो इसी के बेसिस पे अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर ओनली 1 टर्म है उसको क्या बोलते हैं, हम मोनोमियल। तो यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं हम ओनली हैव 1 टर्म, ओनली हैव 1 टर्म। एग्जाम्पल आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। मान लो अगर मैं सिंपल नंबर भी लिखता हूँ ना, तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है, कौन सा है, मोनोमियल, क्योंकि इसके पास एक टर्म है। अब कैसे होगा, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, तो बिल्कुल है। 5 के मल्टीप्लाई में मैं कोई भी वेरिएबल लगा के और उसकी पावर अगर ज़ीरो कर देता हूँ, तो हमें पता है किसी की भी पावर ज़ीरो हो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से या किसी भी कॉन्स्टेंट से तो वही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से, मोनोमियल। इसके अलावा कोई भी एक लगा के वेरिएबल लगा दो, कॉन्स्टेंट लगा के, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। बाइनोमियल क्या होता है, जिसके पास 2 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ओनली हैव 2 टर्म्स, जिसके पास 2 टर्म होता है वो क्या होता है हमारे पास, बाइनोमियल। एग्जाम्पल देखो इसका, मान लो मैंने लिखा 5x और यहाँ पे 3 लिख दिया कॉन्स्टेंट, इस तरह से 1 और 2 टर्म हो गए, तो ये हमारे पास बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके पास 3 टर्म्स होते हैं, ओनली हैव 3 टर्म्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, 3 टर्म, जैसे यही वाला है 3x² + 5y - 3, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें 3 टर्म है। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास उसके हम डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। और उससे भी आगे होते हैं 4 टर्म का पॉलिनोमियल, 5 टर्म का पॉलिनोमियल, 6 टर्म का
पॉलिनोमियल इस तरह से उनके नाम भी होते हैं, लेकिन हमें इतना डिस्कस नहीं करना है। आगे के जितने भी हो जाएं आप उनको सबको क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वन, और डिग्री हमने निकालना सीख लिया है तो यहां पे लिख सकते हैं वन डिग्री पॉलिनोमियल, उनको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, वन डिग्री के कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने लिखा है। अब इसमें टर्म से मतलब नहीं, कितने भी टर्म हो सकते हैं इसके अंदर, बट डिग्री कितनी होनी चाहिए, वन। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5y-3, तो ये आपका वन डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखो 2 डिग्री कैसे, एग्जांपल देख सकते हैं हम यहां पे, 2 डिग्री वाला कोई भी ले लो, जैसे कि हमने लिखा है यहां पे y²-2। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर डिग्री होती है 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मान लो x³-x²+5। यहाँ पे वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप अब एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, तब तक के लिए बाय।